अभी 5:30 हो गया, तो आज रात को मैं चिकन बनाऊंगी। तो मैं अभी से मैरिनेट करके रख रही हूँ चिकन को। तो चिकन मैरिनेट हो गए तो जल्दी से हो जाएगा मेरा कुकिंग। तो फ्रेंड्स देखो, इधर मैं चिकन को नमक, ब्लैक पेपर और कॉर्नफ्लोर के साथ मैरिनेट कर दी। अभी इसको ढक के मैं कुछ टाइम के लिए छोड़ दूंगी। बुबू आ गया। आज भी बुबू की गिटार क्लास थी। उधर ये क्लास में कोई डेट फिक्स नहीं है, जब होता है तब व्हाट्सअप करके बोल देते हैं कि आज क्लास है कि नहीं है। तो इधर मैं दही और कैस्यू का एक पेस्ट बना लेती हूँ, ये चिकन के लिए मुझे चाहिए। अभी तो 6:30 हो गया, मैं थोड़ा सीरियल देखने के बाद आ गई हूँ किचन। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी ये कुकिंग कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाते हैं और इधर ना जल्दी से सब सो जाते हैं और 8:30 के अंदर सब खा के वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। तो उस टाइम मैं कुकिंग करती हूँ तो साउंड आते हैं किचन से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ही शर्म आते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से कुकिंग कर रही हूँ। ये चिकन बनाने के टाइम तो बहुत साउंड होते हैं ना, तो इधर मैं चिकन को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। फ्राई मतलब ज़्यादा फ्राई नहीं, थोड़ा दो साइड पे, चिकन का दो साइड पे मैं थोड़ा रेडिश होने तक इसको फ्राई कर रही हूँ। चिकन फ्राई होने के बाद मैं इधर ऑनियन पेस्ट को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। ये थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैं इसके अंदर 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ और इसको भी मैं ऑनियन के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी कुछ टाइम के लिए। ये फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब मसाला और गरम मसाला ये भी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मसाला के साथ, ये पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी कुछ टाइम के लिए। और फ्राई हो जाने के बाद मैं इसके अंदर जो कर्ड का पेस्ट बनाई थी वो पेस्ट डाल दिया। अभी इसको भी मैं मसाले के साथ कुछ टाइम के लिए भून लूँगी। अभी इसके अंदर मैं फ्राइड चिकन डाल रही हूँ, इसको भी ये मसाले के साथ कुछ टाइम के लिए मैं कुक कर लूँगी। कुछ टाइम कुक करने के बाद मैं इसके अंदर टोमेटो केचप डाल रही हूँ, इसको भी इसके साथ मिला लूँगी। कुछ टाइम कुक करने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। ये जो पानी मैं डाल रही हूँ ना, ये ग्राइंडर में जो कर्ड का जो पेस्ट बनाई थी वो धोकर ही ये पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाते। तो वो पानी मैं इधर डाल दी, अलग सा कोई पानी नहीं डाला मैं इसके अंदर। अभी इसको कुछ टाइम के लिए ढक कर रख दूँगी और इसके अंदर मैं इधर ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली का फ्लेवर ना चिकन के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा बाद में ये ग्रीन चिली ऐड करती हूँ। तो इधर देखिए अच्छे से बॉयल हो गया और ग्रीन चिली सब कुछ सॉफ्ट हो गया। चिकन तो फ्राई होने के टाइम ही सॉफ्ट हो गए थे। तो अभी मैं इसके ऊपर रोस्टेड कसूरी मेथी वो हाथों के मदद से क्रस्ट करके इसके अंदर डाल रही हूँ और ये थोड़ा बॉयल हो जाएगा, कसूरी मेथी का स्मेल इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल दी। आज ये चिकन के साथ मुझे पराठा भी बनाना है, तो आज डिनर में पराठा और चिकन ही हम ले लेंगे। तो पराठा मैं कुछ टाइम के बाद बनाऊंगी। इधर अभी नील आ गए देखने के लिए क्या कर रही हूँ। बुबू अभी न्यूज़पेपर पढ़ रही है और नील इधर खेल रहा है, इधर आके तो बैठ गया है खेलने के लिए।
इधर घर का कुछ सामान ख़त्म हो गए थे तो मेरे हस्बैंड बाहर जा के ये सब लेकर आए हैं, तो इसको अभी अरेंज कर लेती हूँ, नहीं तो इधर ही रह जाएगा, तो चलने फिरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। डाबर का जो कोकोनट ऑयल है ये क्वालिटी भी अच्छी है और मुझे बहुत पसंद है इसका क्वालिटी। और इसके साथ अभी तो एक हनी का बटल भी दे रहा है, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं पराठा के लिए डो बना रही हूँ क्योंकि इधर तो 8:30 बज चुके हैं, तो फिर से मुझे नहीं तो लेट हो जाएगा बनाने में, तो मैं अभी डो बनाकर इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट करा लूँगी। तो रेस्ट करने से तो ये जल्दी से डो बन भी जाते हैं और पराठा अच्छे भी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो इसको मैं 30 मिनट्स के लिए थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, मतलब मुझे 9 बजे तक इधर आना है और पराठा बनाना है। डिनर करने में 10 बज जाएगा, तो अभी इसको मैं रेस्ट कर लेती हूँ। मैं पराठा बनाने का तैयारी कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड अभी ये मालाबार पराठा लेकर आ गए हैं, बट मैं तो अभी नहीं इसको खाऊंगी, इसको मैं कल ब्रेकफास्ट में बना लूँगी। और ये मैंगो भी लेकर आ गए, मैंगो देखने में तो बहुत ही सुंदर है बट खाने में कैसा होगा वो मुझे पता नहीं, ये काटने के बाद ही मुझे पता चलेगा इसका टेस्ट कैसा है। इसके साथ और एक चीज़ भी लेकर आ गए, पानी पूरी। तो अभी पानी पूरी मैं, बुबू और मेरा हस्बैंड ये तो तीनों ही खा लेंगे, क्योंकि मेरे नील तो नहीं लेंगे क्योंकि इसके टेस्ट थोड़ा खट्टा है ना। मेरे हस्बैंड को ये पानी पूरी का पानी बहुत पसंद है, ये पानी खाने के लिए वो पानी पूरी लेकर आते हैं। पानी पूरी तो ज़्यादा नहीं खाते हैं वो 3-4 पानी पूरी खाते हैं और बाकी सब मैं और बुबू खाती हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना के रखती इधर अलग से, और ये पानी अभी मैं और बुबू ये पानी पूरी खा लेंगे। पानी पूरी खाना तो पानी पूरी वाला के पास से ही बहुत अच्छा लगता है बट घर में भी अच्छी लगती है। और अभी मैं पराठा बनाऊंगी रात के डिनर के लिए, तो आज के लिए मैं इधर ही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिल रही हूँ। बाय।